विश्व की अन्य ऊंची चोटियां भी यहाँ पर बहुत सारी ऊंची चोटी विद्यमान है। ऊंची चोटियां गुच्छों के रूप में यहाँ पर अनेक चोटियां देखने को मिलती है। इसमें एक विद्वान है जिनका नाम है स्पेट लियर मौत। उन्होंने बताया कि वास्तव में पामीर की गांठ है संसार की छत जो है, इसे पामीर को नहीं बल्कि काराकोरम को कहा जाना चाहिए, क्योंकि काराकोरम ही विश्व की सबसे यहाँ पर ऊंची चोटियों की सर्वाधिक गुच्छन देखने को मिलता है। लेकिन पामीर ही हमें इसे विश्व की छत के नाम से हम इसे ही जानते हैं। यहाँ के जो प्रमुख हिमनद है, इन हिमनदों में सियाचिन, बियाफो, विस्पार, बारटोरो और बाटूरा ये प्रमुख हिमनद हैं। यहाँ के प्रमुख दर्रे, इसमें दो प्रमुख दर्रे हैं, एक तो काराकोरम दर्रा और दूसरा मुश्ताफ दर्रा। ये मुश्ताफ दर्रा जो है ये विश्व का सर्वोच्च व्यापारिक मार्ग है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, सर्वोच्च व्यापारिक मार्ग इसे हम कहते हैं। दूसरी जो श्रेणी यहाँ से निकली है इसे हम कहते हैं कैलाश श्रेणी, यह काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। तीसरी जो श्रेणी है इसे हम लद्दाख श्रेणी कहते हैं, यह लद्दाख श्रेणी भी काराकोरम के दक्षिण में ही स्थित है, लेकिन यह श्याक नदी की घाटी के ऊपर में स्थित है। यह लगभग 300 किलोमीटर की लंबाई वाली श्रेणी है और ये पूर्व में जाकर के कैलाश श्रेणी में जाकर मिल जाती है। भारत का जो सर्वोच्च पठार है जिसे हम लद्दाख का पठार कहते हैं वह भी यहीं पर स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है लगभग 5300 मीटर है। चौथी प्रमुख श्रेणी है जास्कर श्रेणी, सिंधु नदी के दक्षिण में यह जास्कर श्रेणी 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर इस जास्कर श्रेणी में हम सिंधु श्याक घाटी जो कि लद्दाख और जास्कर के बीच में देखते हैं। इस श्रेणी के प्रमुख जो क्षेत्र है या जिसको हम पर्यटन स्थल कहते हैं, इसमें लेह, कारगिल, लद्दाख, बालिस्तान, गिलगिट और कोहिस्तान हैं। ये तो प्रमुख ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ हुई। ये जैसा भी मैंने बताया था कि हिमालय का विस्तार जो है 2500 किलोमीटर की लंबाई में वृहद हिमालय फैला हुआ है। कहाँ तक? ये सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैला हुआ है। उसके बाद और पूर्व में यदि हम आते हैं तो इस क्षेत्र को पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। पूर्व की पहाड़ियाँ यहाँ पर स्थित है और इन्हीं पूर्व की पहाड़ियों को पूर्वांचल कहते हैं, जिसमें असम और म्यांमार की पहाड़ियाँ यहाँ पर स्थित है। इन पहाड़ियों में जो प्रमुख पहाड़ी है इसमें अरुणाचल की पहाड़ी, नागा की पहाड़ी, मणिपुर का कछार, मिजोरम और त्रिपुरा के यह क्षेत्र पूर्वी पहाड़ियों के अंतर्गत आते हैं। अरुणाचल की प्रमुख पहाड़ियाँ जो है इसमें मिशमी और पटकोई श्रेणी यहाँ पर आती है, जिसमें डाफाबम श्रेणी यहाँ की सबसे ऊंची श्रेणी है जिसकी ऊंचाई 4578 मीटर है। यह श्रेणी बलुआ पत्थर से निर्मित है और इस श्रेणी में अभिनति भी देखने को मिलती है। पटकाई श्रेणी जो है ये अरुणाचल को म्यांमार से अलग करती है। तो इस प्रकार से ये जो पूर्वी पहाड़ियाँ हैं इसमें दूसरी जो पहाड़ी है
इसे हम नागा पहाड़ी के नाम से जानते हैं। नागा पहाड़ी नागालैंड और म्यांमार के बीच में जल विभाजन का कार्य भी करती है। ये जल विभाजक है यहाँ की प्रमुख, और इसके अंतर्गत सारागामी शिखर यहाँ का सर्वोच्च शिखर माना गया है, जिसकी ऊंचाई लगभग 3556 मीटर के लगभग आंकी गई है। यह जो पहाड़ी है ये बलुआ पत्थर और स्लेट से बनी है। इसके दक्षिण में कोहिमा की पहाड़ी है। मणिपुर और म्यांमार की सीमा पर मणिपुर की पहाड़ी स्थित है। पूर्व में कोहिमा पहाड़ स्थित है और पूर्वांचल के पश्चिमी किनारे में यदि हम देखें तो उत्तरी कछार, मीजो, लुसाई ये पहाड़ियाँ वहाँ पर स्थित हैं। पूर्वांचल की समस्त पहाड़ियों का जो अक्ष है, जो एक्सिस है, ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। और इस प्रकार से ये जो प्रमुख पहाड़ियाँ जिसमें अरुणाचल और नागा की श्रेणियों के साथ अन्य श्रेणियाँ, ये पूर्वी पहाड़ियों के अंतर्गत आती है। बच्चों ये तो हिमालय का एक सामान्य वर्गीकरण हुआ। हिमालय का हम दूसरी तरीके से प्रादेशिक वर्गीकरण भी करते हैं। प्रादेशिक वर्गीकरण के अंतर्गत हमने हिमालय को चार प्रमुख भागों में बांटा है। सबसे पहला है कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय। उत्तरी पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत बहुत सी पर्वत श्रेणियाँ जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल की श्रेणियाँ प्रमुख है। इस क्षेत्र की कश्मीर हिमालय की एक और विशेषता है कि यहाँ पर करेवा का विस्तार है और इसमें केसर जाफरान की खेती सबसे अधिक यहाँ पर होती है। ये करेवा के कारण ही यहाँ पर जाफरान की खेती संभव हो चुकी है। यहाँ पर पाए जाने वाले जो प्रमुख दर्रे हैं, इन दर्रों में जोजिला, पीर पंजाल और कारगिल, फोटुला और खुर्दगाला के प्रमुख दर्रे हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख झीलें जिसमें डक, वुलर ये झीलें प्रमुख हैं। कश्मीर में पाए जाने वाला जो करेवा है उसके कारण इस क्षेत्र में जाफरान की खेती सर्वाधिक होती है। प्रमुख जो दर्रे हैं इसमें जोजिला, पीर पंजाल और कारगिल, बनिहाल, फोटुला और खुर्दगला के दर्रे यहाँ के प्रमुख दर्रों के में जाने जाते हैं। डक, वुलर ये प्रमुख यहाँ की झीलें हैं। इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली जो प्रमुख नदी है वह झेलम और चिनाब है। बच्चों ये जो कश्मीर और उत्तर पश्चिम में हिमनद ने जो विलक्षण सौंदर्य प्रस्तुत किया, इसका उल्लेख मैंने इसके पहले आपको बताया था कि कश्मीर घाटी यहाँ पर बहुत ही विलक्षण या सुंदर घाटी के रूप में इसी कश्मीर हिमालय में विद्यमान है। यहाँ के प्रमुख अन्य तीर्थ स्थान जिसमें वैष्णो देवी, अमरनाथ, चरारे शरीफ ये प्रमुख तीर्थ है। और इस क्षेत्र में जो झेलम नदी है ये एक बहुत बड़ा और बहुत सुंदर विसर्प का निर्माण करती है और उसके कारण इस क्षेत्र में, इसके निचले क्षेत्र में अनुदैर्ध्य घाटियों का विकास हुआ है जिसे हम दून के नाम से जानते हैं। इसका उल्लेख पहले ही किया है। इसमें जम्मू दून और पठानकोट दून यहाँ पर स्थित हैं। दूसरा जो हिमालय है इसे हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह जो हिमालय है रावी और काली नदी के बीच में
विद्यमान है। इसकी जो प्रमुख नदियाँ हैं इसमें रावी, व्यास, सतलज, यमुना और घाघरा नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। इसी क्षेत्र में पाए जाने वाला मरुस्थल जिसे हम लद्दाख की उच्च भूमि या लद्दाख का मरुस्थल भी कहते हैं। यहाँ पर हिमालय की तीनों श्रेणियाँ यानी वृहद हिमालय, मध्यम हिमालय और शिवालिक, ये तीनों ही श्रेणियों का विस्तार है। इस क्षेत्र के प्रमुख जो नगर है इसमें धर्मशाला, मसूरी, कसौली ये प्रमुख नगर हैं और इस क्षेत्र में भी दून घाटियाँ जिसमें देहरादून और कालका दून ये प्रमुख दून घाटियाँ हैं। इसके अलावा हरिके दून है, कोटा दून है, यह भी इसी क्षेत्र की प्रमुख घाटियाँ है। यहाँ पर भोटिया प्रजाति पाई जाती है, भोटिया जाति के लोग निवास करते हैं। इस क्षेत्र में जो प्रमुख यह स्थल है जिसमें फूलों की घाटी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब यह प्रमुख दर्शनीय और तीर्थ स्थल के रूप में जाने जाते हैं। तीसरा जो हिमालय का वर्गीकरण है इसे हम दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय कहते हैं। ये जो दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय है ये नेपाल और भूटान के मध्य में व्याप्त है। यहाँ पर तिस्ता नदी का प्रवाह है और इसकी प्रमुख चोटी जो है वह कंचनजंगा है। यहाँ पर जो जनजाति पाई जाती है इसमें लेपचा जनजाति पाई जाती है। इस क्षेत्र में चाय के विस्तृत बागान देखने को मिलते हैं। यहाँ पर द्वार स्थलाकृति सर्वाधिक देखने को मिलती है। अगला है अरुणाचल हिमालय। अरुणाचल हिमालय भूटान से पूर्व में ये डिफू दर्रे तक फैला हुआ है। यहाँ पर जो पर्वत है ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व तक है और इनके बीच में नदियों का काफ़ी तेज बहाव होता है जिसके कारण गहरे गार्ज का निर्माण इस क्षेत्र में हुआ है। यहाँ की जो प्रमुख चोटी है इसमें कांगलू और नामचा बरवाप चोटी जो है यह प्रमुख चोटी है। इस क्षेत्र की जो प्रमुख नदियाँ है इसमें सुबनसरी, दिहांग, लोहित, दिबांग और कामेंग नदी यह यहाँ की बहने वाली प्रमुख नदियाँ है। ये सभी नदियाँ बारहमासी है और यहाँ पर बड़े बड़े जलप्रपातों का निर्माण करती है और उसके कारण यहाँ पर जल विद्युत भारी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में जो जनजातियाँ पाई जाती है उसमें नागा, निशी ये प्रमुख जनजातियाँ हैं और यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि, झूमिंग प्रकार की खेती करना है। बच्चों ये तो हिमालय के लाभ हुए। इसके अलावा ये जो अरुणाचल हिमालय है इसकी एक और विशेषता है, यह जैव विविधता के लिए बहुत धनी है। लेकिन इस क्षेत्र में चूंकि उबड़खाबड़ भूमि है पूरे हिमालय का क्षेत्र, यहाँ पर परिवहन की सुविधाओं का अभाव है। लेकिन फिर भी जो द्वार का क्षेत्र है यहाँ पर कारोबार भरपूर मात्रा में किया जाता है और मुख्य रूप से असम और अरुणाचल के बीच का जो द्वार क्षेत्र है ये कारोबार की दृष्टि से काफ़ी संपन्न है। ये तो हमने हिमालय की बातें कही। बच्चों आप जानते हैं कि हिमालय हमारे देश के लिए बहुत ही फायदे वाला रहा है, बहुत लाभप्रद है, इसके बहुत से लाभ हैं। यह एक अडिग पर्वत तो है लेकिन जैसा मैंने बताया था कि इसका विस्तार हमारे उत्तर में पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है, उसके कारण यह एशिया के अन्य भागों से अलग हो गया है। यहाँ पर एक अलग संस्कृति,
एक अलग धर्म का विकास हुआ है जो कि एशिया के अन्य क्षेत्र से भिन्न है। इसके अलावा इस क्षेत्र में जो विदेशी व्यापार होता है, अधिकांश व्यापार महासागरों के से हो रहा है। यहाँ पर उत्तर में स्थल का अभाव है, उत्तर में व्यापार नहीं के बराबर होता है। उत्तर में साइबेरिया से जो आने वाला जो ठंडी हवाएं हैं, इन हवाओं को यह हिमालय रोकता है, जबकि दक्षिण से आने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं, इन हवाओं ये हवाएं जो है हिमालय से टकरा करके भारत के क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा करती है। तो यह भी एक हिमालय के कारण है। हिमालय ने हमें अनेक नदियां प्रदान की है जो सदा नीरा यानी वर्ष भर जल से भरी रहती है, और ऐसी नदियों से उत्तर भारत का जो संपूर्ण क्षेत्र है यहाँ पर जलोढ़क के जमाव भी हुए हैं और वर्ष भर विभिन्न प्रकार की कृषि इस क्षेत्र में की जाती है। इसमें इसे सिंचाई भी आसानी से हो जाती है, नदियों में पर्याप्त जल है, उबड़ खाबड़ भूमि है, जिससे अनेक क्षेत्र में जल विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है, और इसी पर्वत के ढाल में वनों का विकास भी बहुत अधिक हुआ है। तो इस प्रकार से यह उत्तर का जो विशाल पर्वत है यह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। हिमालय के बाद हम अध्ययन करेंगे उत्तर के विशाल मैदान का। उत्तर का विशाल मैदान, जिसे हम सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से भी जानते हैं, यह जो विशाल मैदान है बच्चों, जैसा भी मैंने बताया था कि यह जलोढ़क से बना हुआ है। इन नदियों द्वारा लाए गए अनेक जलोढ़क पदार्थों से इस मैदान की रचना हुई है। यह मैदान पाकिस्तान की सीमा से बंगाल तक ब्रह्मपुत्र की घाटी तक यह फैला हुआ है। यह जो मैदान है लगभग 3200 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जबकि 150 से 300 किलोमीटर चौड़ाई वाले यह क्षेत्र में यह व्याप्त है। इसका निक्षेप काफ़ी गहराई तक हुआ है, लगभग 1000 से 2000 मीटर गहरे जलोढ़क से यह मैदान बना हुआ है, लेकिन सामान्य रूप से इसकी जो औसत ऊंचाई है धरातल से, यह कहीं कहीं पर 100 से 300 मीटर तक ऊंचाई यहाँ देखने को मिलती है। इस समतल धरातल की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, नदियों के ऊंचे ऊंचे कगार, उसमें निर्मित खड्ड या जिसे हम बीहड़ कहते हैं, कुछ चापाकार झीलें, ये इस क्षेत्र की विशेषता है, या हम कह सकते हैं इस धरातली मैदान की ये प्रमुख भू आकृति है। और इसी आधार पर इस धरातली मैदान को चार भागों में हम बांटते हैं। इस मैदान को चार भागों में बांटा गया है, भाबर प्रदेश, तराई का प्रदेश, बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश, इसे कछारी क्षेत्र भी कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भाबर प्रदेश क्या है। शिवालिक रेंज के से संलग्न जो क्षेत्र है, इसे हम पर्वतपदीय क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो इस क्षेत्र में जलोढ़ पंखों की जो पट्टियां हैं, ये पट्टी लगभग 10 से 15 किलोमीटर चौड़ाई में फैली हुई है, और इस क्षेत्र में बालू और बजरी का जमाव हो जाता है, और उसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो नदियां पर्वत से बहकर आती है, ये नदियों का जल बालू और बजरी के अंदर ही अंदर पानी बहने लगता है, जबकि ऊपर से जल दिखाई नहीं देता। यहाँ पर नदियाँ क्या होती, लुप्त हो जाती है, धरातल के नीचे से बहने लगती है। इस क्षेत्र में काफ़ी गहरी घाटियों का निर्माण भी हुआ है। इस क्षेत्र को पंजाब और हरियाणा में चो के नाम से जानते हैं।
दूसरा जो क्षेत्र है यह है तराई का क्षेत्र, भाबर के दक्षिण में तराई का क्षेत्र व्याप्त है। लगभग यह क्षेत्र 15 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में क्या है, भाबर प्रदेश में जो नदियां लुप्त हो गई थी वह नदियां यहां पर पुनः धरातल पर प्रकट हो जाती है और पूरी तरीके से इसका जल काफ़ी दूर तक फैल जाता है। यहाँ पर शुष्क भागों में भी जो भौम जल स्तर है वो 5 मीटर से अधिक नहीं है। तीसरा जो क्षेत्र है इसे हम बांगर प्रदेश कहते हैं। ये बांगर प्रदेश नदियों के दोआब के मध्य में स्थित है। यहाँ ये प्रदेश बाढ़ के तल से कुछ ऊंचे नदियों के कगार बनाते हैं। यहाँ पर पुराने जो जलोढ़क पदार्थ है उससे बने हुए मैदानों का विकास हुआ है और मानव ने इस क्षेत्र में बहुत अधिक कटाव किया है और उस कटाव के कारण इस क्षेत्र में जो मुलायम जलोढ़क मिट्टियाँ थी ये मिट्टियाँ तीव्र ढाल के रूप में परिणित हो गई है, जिससे यहाँ पर बाढ़ अक्सर आती रहती। यद्यपि इसका निर्माण बाढ़ के मैदान से ऊंचा हुआ था लेकिन यहाँ पर निरंतर बाढ़ आती रहती है। इसी क्षेत्र में यमुना और चंबल के तट में विशाल कटाव के कारण बीहड़ों का निर्माण भी यहाँ पर हो गया है। इस क्षेत्र की जो जलवायु है वह अर्धशुष्क प्रकार की है और बहुत अधिक भूमि उपयोग यहाँ पर होने लगा है, क्योंकि ये पूरा भाग जो है ये उपजाऊ मिट्टी से युक्त है। बहुत अधिक आवास हो रहा है, कृषि का कार्य अधिक हो रहा है और उसके कारण भारी भूमि उपयोग होने के कारण इस क्षेत्र की वनस्पति को काट काट कर कृषि किया जा रहा, तो वनस्पति का यहाँ पर नितांत अभाव देखने को मिलता है। चौथा जो क्षेत्र है इसे हम खादर या कछार भूमि कहते हैं। ये नदी के कगार के नीचे के भाग है जहाँ पर नदियों के जलोढ़क का जमाव इस क्षेत्र में होता है। ये बाढ़ कृत मैदान भी यहाँ पर है, इनका ढाल बहुत ही मंद होता है। इस क्षेत्र में नदियों ने काफ़ी अधिक विसर्प बनाए हैं, कहीं कहीं पर चापाकार झीलें भी देखने को मिलती हैं। कई जगह ऐसे जहाँ पर नदियों की परित्यक्त घाटियाँ, ये सभी इस क्षेत्र की प्रमुख स्थलाकृतियाँ है। यहाँ पर गुम्फित नदियों की वाहिकाएँ और कहीं कहीं पर डेल्टा ये प्रमुख आकृति के रूप में देखा गया है। तो बच्चों ये तो एक सामान्य सा भाबर बांगर और खादर प्रदेश का हमने वर्गीकरण किया है, लेकिन इस मैदान का यदि हम भौतिक विभाजन करना चाहते हैं तो भौतिक दृष्टि से इस मैदान को 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है सतलज का मैदान। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में सतलज का मैदान फैला हुआ है और यह लगभग 640 किलोमीटर लंबा और 300 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर रावी, व्यास, सतलज और पश्चिम में सिंधु नदी और पूर्व में जो है यमुना नदी का प्रवाह है। यमुना और सतलज के बीच में घग्गर नदी भी इस क्षेत्र में देखने को मिल रही है। रावी और व्यास के बीच में जो ऊपरी बारी का दोआब है, जबकि व्यास और सतलज के बीच में बिष्ट दोआब देखने को मिलता है। दक्षिण पूर्व में यहाँ पर मालवा का पठार है। यहाँ यमुना का जो प्रवाह है वो राजस्थान की ओर चला गया है।